Good morning, everyone. Good morning. Good to see you all. How are you doing? Good morning. I'm finding this system much more beneficial right now, just before your exams. Good morning. The screen is very visible to you. चलिए फटाफट से सेल साइकिल और सेल डिविजन पूरा खत्म करते हैं. इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज आने के चांस है. गुड मॉर्निंग, लाउड एंड क्लियर दिखाई दे रहे हैं. गुड मॉर्निंग. चलो तो सारे ऑर्गेनिजम्स ने अपनी लाइफ कहां से शुरू की थी? ब्लू मार्किंग देखते चलो, रेड मार्किंग देखते चलो, सिंगल सेल. व्हाट आर द टू कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू सेल साइकिल सेल डिविजन. चलिए 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 चलिए, पिन ड्रॉप साइलेंस, लेट्स गेट स्टार्टेड. डन. Yes. Then, how are they formed? New cell population कैसे बनती है? New cell population is formed by the growth and division of single parental cell and its progeny. Good morning, everybody. Yes. Pin drop silence. Notes खोलनी है? ठीक है? बस पढ़ाई. भाग्यश्री, खुरत, रिया, चलो सेल साइकिल पे आ जाओ गाइस. सेल साइकिल, सेल साइकिल क्या है कि कैसे सेल डिवाइड करेगा? इवेंचुअली सेल को डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनने हैं, और इवेंचुअली जब सेल को डिवाइड होके दो डॉटर सेल बनने हैं, जब उसको डुप्लीकेट करना है अपना जीनोम, उसे हम सेल साइकिल कहते हैं, जो कि एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स है. क्या है बच्चों, बता दो वाली मैम को. एक बहुत ज्यादा, बेटा मैक्सिमम जूम्ड है, बेटा 175% जूम्ड है. एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इवेंट्स है. क्लियर? अनन्या, पूर्णा, आद्या, हरि, ऋतिका, राइट? इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है. सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, सेल साइकिल में से. आपको सेल साइकिल करवाने लग जाती है. चलो सबसे पहले फेजेस ऑफ सेल साइकिल. अब ह्यूमन सेल्स डिवाइड करते हैं वंस एवरी 24 आवर्स. एमसीक्यू क्वेश्चन. ह्यूमन सेल डिवाइड करता है वंस एवरी 24 आवर्स. मेरा एम है बेटा 25 दिन पहले आपको सिर्फ एमसीक्यूज कराने का. जो चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं, थ्योरी पढ़ चुके हैं, बट एमसीक्यूज कराने का, राइट? तो ह्यूमन जो सेल डिविजन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. 24 आवर्स में करते हैं. E-saccharomyces 90 मिनट्स में करता है. दोनों एमसीक्यू क्वेश्चन इस पैराग्राफ से. डन. चंद, श्रेया, दो. अब सेल साइकिल के दो बेसिक फेज हैं, इंटरफेज और एम फेज. इन बिटवीन सेल डिवीजन इंटरफेज, और जब सेल डिवाइड करता है इट इज कॉल्ड एज एम फेज. आप अपनी बुक ओपन कीजिए, हाइलाइटर निकालिए जो मैं बता रही हूं, एक नए कलर का हाइलाइटर लगा लो और फटाफट कर लो. सो व्हाट आर द टू फेजेस अमार? दो बेसिक फेज क्या है? इंटरफेज, एम फेज. एम फेज वो डिवीजन है जब सेल डिवीजन हो रहा है, एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है. इज दैट क्लियर? इंटरफेज दो एम के बीच का टाइम है, राइट? इज दैट क्लियर? 24 आवर्स में डिवीजन प्रॉपर इज ओनली अबाउट एन आवर. 95%, दैट मीन्स 23 आवर्स सेल इंटरफेज में है. 23 आवर्स सेल इंटरफेज में है. एम फेज के फिर से दो पार्ट हैं. डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस. कैरियोन, न्यूक्लियस. डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस. तो सेल डिवीजन के दो फेज हैं, इंटरफेज और एम फेज. 95% ऑफ द टाइम इंटरफेज. जस्ट 1 आवर स्पेंट इन डूइंग माइटोसिस. The M phase has got further two phases. What are the two phases of M phase? Karyokinesis and cytokinesis. Division of the nucleus, karyokinesis. Division of the cytoplasm, cytokinesis. Right? मुझे पता और बड़ा हो जाएगा बेटा, पर फिर मेरा पेन नहीं चलेगा मेरे बच्चे हर्षी, ठीक है? और बड़ा तो हो जाएगा, ये नहीं चलेगा. मैम लल्लू नहीं है बेटा, ठीक है?
अंडरस्टूड ओके. अब एम फेज के तीन पार्ट्स है, जीवन एस जी टू, उसके बाद ऑब्वियसली एम आ जाएगा राइट. तो एम फेज के चार पार्ट है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. उससे पहले इंटरफेज के पार्ट है जीवन एस जी टू. अब एक एक करके ये काम हमें करना है. जीवन फर्स्ट ग्रोथ फेज है, ग्रो करेगा सेल, मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है जीवन. इज दैट क्लियर एवरीबडी? मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है जीवन. एस फेज जब डीएनए का सिंथेसिस होगा उसे एस फेज कहते हैं. एस फेज में डीएनए डबल होता है. ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आ गया. यस एवरीबडी, जिसमें से क्वेश्चन, इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए 2C है तो एस के बाद डीएनए रह जाएगा 4C. क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ता है. आद्या, हरी, सुबह लक्ष्मी, प्लीज, अमाउंट बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ती है, क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ता है. इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? इनिशियल अमाउंट अगर 2C है, अमाउंट डबल होगा, क्रोमोसोम नंबर नहीं डबल होगा. अंडरस्टूड एवरीवन? एस में डीएनए रेप्लिकेट होगा, G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होगा सेल डिवीजन के लिए. तो G1 में ग्रोथ होगी, S में डीएनए सिंथेसिस होगा, G2 में प्रोटीन बढ़ेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टूड? G2 में प्रोटीन. और गाइस आज शाम की क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, आई एम डूइंग फुल बॉटनी टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. G2 में क्या बढ़ेंगे बच्चों? प्रोटीन्स. ओके, स्प्राइट क्लियर? चलो आगे चलें. राइट एवरीबडी? अब ये, डू यू थिंक ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड? नो, सिर्फ वही सेल डिवाइड करते हैं जिनकी बॉडी को जरूरत होती है. कई सेल जीवन से निकल के, एक बार सेल डिवीजन हो गया, जीवन एस जी टू एम, उसके बाद जीवन में नहीं एंटर करते बेटा, माइटोसिस से निकल के एक स्टेज में चले जाते हैं जिसको कहते हैं क्वाइसेंट स्टेज. क्वाइसेंट स्टेज वो स्टेज होती है जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है. एक ऐसी स्टेज जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है उसे कहा जाता है क्वाइसेंट स्टेज. अब आ जाइए एम फेज पे. एम फेज का मतलब होता है माइटोसिस. माइटोसिस इसमें दो फेज होते हैं, एक माइटोसिस या मियोसिस. अगर सेम है, अगर क्रोमोसोम नंबर इक्वल रह रहे हैं, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन जो बॉडी में होता है. ये आपको क्लास 12th के एग्जाम से 25 दिन पहले बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है. क्रोमोसोम बॉडी के सेल्स करते हैं इक्वेशनल डिवीजन, जो आपके गैमीट्स करते हैं रिडक्शनल डिवीजन. तो जब सेल का नंबर सेम रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? इक्वेशनल डिवीजन. माइटोसिस के चार फेज होते हैं, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज राइट. जब सेल रिटायरमेंट लेगा क्वाइसेंट स्टेज. एम स्टेज के चार फेजेस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज इसी ऑर्डर में होते हैं राइट एवरीबॉडी. PMAT क्वाइसेंट स्टेज में सेल जिंदा होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है पर डिवाइड नहीं करता है. प्रोफेज स्टेज पे आ जाते हैं. प्रोफेज जो फर्स्ट स्टेज है एस के बाद, जी टू के बाद राइट एवरीबडी. तो जीवन एस जी टू एम, एम एम का फर्स्ट स्टेज होता है प्रोफेज. बेटा जो क्रोमोसोम्स ऐसे पड़े हुए क्रोमैटिन फाइबर की तरह, अब डिवाइड करना है तो क्रोमोसोम्स को हमें कंडेंस करना है, क्रोमैटिन फाइबर को कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाना है. आद्या, चंद्रप्पा, फारूक, यस और नो? Yes everybody, Darshini. So the condensation of chromatin material into chromosomes, right? The condensation, the centriole move towards the pole. So what are the two things? Tell me. Condensation and chromatin is getting condensed into chromosome. Centriole is moving towards the pole. Is that clear? Centriole is moving towards the pole. क्रोमोसोम मटीरियल कंडेंसेस, क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ क्रोमैटिड्स एंड वेयर आर द टू आर्म्स अटैच्ड. ये क्या जगह है दोनों आर्म के अटैचमेंट की? अनन्या, सेंट्रोमियर. व्हाट इज द प्लेस वेयर दे आर अटैच्ड? सेंट्रोमियर.
एंड स्पिंडल फाइबर्स बनने लग जाएगा, इनिशिएशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स बिकॉज द सेंट्रियोल हैज मूव टुवर्ड्स द पोल. सो देयर इज कंडेंसेशन एंड इनिशिएशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल फाइबर. इज दैट क्लियर? माइक्रोट्यूब्यूल्स. Now, cells at the end of prophase, when viewed under the microscope, do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleus, nuclear envelope, कुछ नहीं दिखेगा. At the end of prophase, there will be no Golgi complex, there will be no endoplasmic reticulum, there will be no nucleolus, and there will be no nuclear envelope. Done. आ जाएंगे metaphase plate पे. What is metaphase? The characteristic feature of metaphase is the metaphase plate. Yes or no? Characteristic feature क्या है बताओ वाली मैम. What is the most characteristic feature of metaphase? The characteristic feature of metaphase is a plate. What is the plate called? Metaphase plate. What is the plate called? Metaphase plate. The complete disintegration of nuclear envelope. Chala gaya nuclear envelope. Chromosomes are spread through the cytoplasm. Chromosome ban gaye. Sare ke sare. और जितने भी क्रोमोसोम हैं वो कितने बने हुए हैं? दो सिस्टर क्रोमैटिड जो सेंट्रोमेयर पे अटैच्ड हैं, ये हो गया. सारे के सारे दो सिस्टर क्रोमैटिड के बन गए भाग्यश्री. आर दे ऑल मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स? यस. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. दे आर ऑल मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, राइट एवरीबडी? नाउ लुक एट दिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. They are all made up of two sister chromatids. What is this part called? Two sister chromatid dikhi. This is called the centromere. Dikhiya. And is centromere pe ek attachment ke liye hoga where the spindle fibers will attach. This is called kinetochore. Is that clear? This is called kinetochore. Ye dekho. This is the most important thing. Done? This is the most important thing. So, they are two sister chromatids dikh gayi aapko. Centromere dikh gaya aur kinetochore. Ye teen cheeze maine underline kari hai. Dikhai de rahi hai? Chromatids, two sister chromatids held together by centromere. और centromere की surface पे, बाहर की surface पे क्या लगा है? Kinetochore, जिसपे spindle fiber आकर attach होंगे. ये metaphase is characterized by chromosomes which are going to form chromatids, sister chromatids, kinetochores. Understood everybody? Done? पक्का? Yo everyone, promise? और उसके बाद बेटा ऐसा कुछ होगा कि सारे के सारे आकर अटैच हो जाएंगे बीच में, राइट? तो ये होगा, ऐसा कुछ होगा. दो सेंट्रल दोनों कोनों में है, स्पिंडल फाइबर्स बन चुके हैं माइक्रोट्यूब्यूल के. बीच का पार्ट कहलाएगा मेटाफेस प्लेट. और यहां पर आकर अटैच होंगे सारे स्पिंडल फाइबर. के ऊपर अटैच होंगे क्रोमोसोम ऐसे. राइट? दिख रहा है? परफेक्ट. डन? ठीक है, चले आगे. इज दैट क्लियर एवरीबडी? मेटाफेज इज कैरेक्टराइज बाय क्रोमोसोम्स लाइंग एट द इक्वेटर. इस पार्ट को कहते हैं मेटाफेज प्लेट. एमसीक्यू लिखा हुआ है. Metaphase characterized by chromosome lying at the equator. Chromatids के ऊपर kinetochore के ऊपर spindle fiber लगा है. दिखा दिया मैंने और metaphase plate. तो इसके दो points क्या है?
स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर पे लग गए, राइट? स्पिंडल फाइबर्स अटैच एंड क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, इक्वेटर मेटाफेज प्लेट बन गया, काइनेटोकोर पे लग गए। दो पॉइंट से एमसीक्यू आएगा, डन। अब सिंपल सी बात है, अगर स्पिंडल फाइबर लगे, अब ये क्या करेंगे स्पिंडल फाइबर, पुल करेंगे कि नहीं करेंगे? पुल करेंगे, एनाफेज आ जाओ, मूव अवे टुवर्ड्स द पोल, दे आर गोइंग टू पुल देम अपार्ट। ये दिख रहा है मेटाफेज प्लेट, ये डायग्राम आ सकता है मेटाफेज प्लेट, ये दिख रहा है मेरा कर्सर, दिख रहा है मेटाफेज प्लेट। एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे टुवर्ड्स द पोल, यस, तो लीडिंग एज आर्म्स होते हैं, आर्म्स वी शेप में पुल किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार बताती हूं, वी शेप में। तो पुल करते समय पता है कैसे पुल होता है, ऐसे। तो ये इस शेप ऐसे, डन। ऐसे पुल किया जाता है, डन। तो ये पीछे रह जाता है, आर्म्स आगे जाती हैं, ये पीछे रह जाता है, आर्म्स टुवर्ड्स पोल पहले पहुंच जाती हैं, ओके। आर्म्स आर टुवर्ड्स द पोल, रिमेंबर दिस प्लीज, आर्म्स आर टुवर्ड्स द पोल, सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज टुवर्ड्स द पोल एंड हेंस एट द लीडिंग एज। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, अंडरस्टूड? ये देखो, डन, राइट। इसको एक बार और समझाती हूं, देखो बेटा, जब इसको खींचोगे आप, जब इसको आप पुल करोगे, तो ये टूटेगा कैसे, एक सेकेंड ना, ये टूटेगा कैसे, ये लगा तो ऐसे हुआ, ये टूटेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसको ध्यान से सुनो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये इक्वेटर था, ये ऐसे लगा हुआ है, अब आर्म्स आर टुवर्ड्स द पोल आपको दिखाई दे रही है। अब जब आप इसको यहां से बीच से तोड़ोगे और खींचोगे, अब आप इसको इसको आर्म्स आर टुवर्ड्स द पोल व्हेन दे आर अटैच्ड टू द इक्वेटर, अब इसको तोड़ो और इसको खींचना शुरू करो, तो ये कैसे, ये खींचेगा ना, ये खींचेगा, ये दिस, बिकॉज काइनेटोकोर इधर है, इसको स्पिंडल फाइबर अटैच कर रहे, काइनेटोकोर का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दो मिनट ध्यान से सुन लो, उसके बाद जाके ना रेस्ट है बस, उसके बाद। ये आपका सेंट्रोमियर है, ये आपका काइनेटोकोर है, ये आपका स्पिंडल फाइबर है, इसने जब खींचना शुरू किया तो ये इस फॉर्म में खींचेगा। अब समझ आया, बिकॉज यू आर गोइंग टू पुल दिस, तो जब आप इसको पुल करोगे, बिकॉज ये रहा आपका सेंट्रोमियर, ये रहे आपके आर्म्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले आर्म्स आर टुवर्ड्स, ऐसे आर्म लगे हुए हैं, ऐसे लगे आर्म्स टुवर्ड्स द पोल, इज दैट क्लियर? अब काइनेटोकोर कहां है बेटा, काइनेटोकोर यहां है, स्पिंडल फाइबर इस पे लगा, जो जब इसको पुल करोगे तो इट विल अपीयर एज दिस, दिस इज मूविंग अप, आर्म्स नीचे रह जाएंगी, ऐसे पुल होगा पोल्स की तरफ, ये नीचे वाला कैसे पुल होगा पोल्स की तरफ, इसको खींचोगे आर्म्स ऐसे रह जाएंगे, ये पोल की तरफ पुल होगा, इज दैट क्लियर एवरीबडी? दिस हैज गॉट स्प्लिट फ्रॉम द सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो फोटो, जब ये पुल होगा बेटा, तो ये यहां पे काइनेटोकोर है ना, पुल यहां को, इसको खींचा आपने लाइक अ डंबल, आपने उसको पकड़ा, राइट एवरीबॉडी? मलिंद, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो एवरीबॉडी, व्हेन यू पुल इट फ्रॉम हियर, दिस इज लाइक दिस, इट इज गोइंग टू मूव ऑन टॉप, सो दैट यू आर होल्डिंग इट लाइक अ डंबल एंड पुलिंग इट अबव, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Is that clear, everybody? This is the most important thing which you have to understand from that particular slide. This is exactly where they will confuse you in the exam. Is that clear? Okay. So, anaphase pe the hum. Centromeres of each chromosome is towards the pole and hence the leading edge. With the arms of chromosome trailing behind. Look at this photo. Arms are trailing behind. Because you have pulled it from the kinetochore. Yes? Because kinetochore pe jaakar aapka spindle fiber attach hua hai, kinetochore se pull kar rahe ho. You are pulling it from the kinetochore.
सो सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो गए, क्रोमैटिड सेपरेट हो गए, किस में? एनाफेज में, एंड क्रोमैटिड आर्म्स मूव टू ऑपोजिट पोल्स. इज दैट क्लियर? डन. टेलोफेज, दे हैव रीच्ड ऑपोजिट पोल्स. 4C हो गया था 2C, सो दोनों में 2C है. देयर इज डबल कंटेंट ऑन बोथ द साइड्स, दोनों में 2C है बिकॉज़ 4C कर दिया था पहले. यू रिमेंबर दैट जवान? नाउ इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन बिकॉज़ अगेन इन द टेलोफेज क्रोमोसोम्स आर बिकमिंग क्रोमैटिन फाइबर. कैन यू सी एनाफेज? यू कैन सी क्रोमोसोम्स एंड दे आर अगेन बिकमिंग क्रोमैटिन फाइबर, राइट? Chromosome cluster at opposite spindle folds. Identity is lost. They are going to become chromatin fiber. Again, nuclear envelope will come. And nucleolus, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, all of this is going to get reformed. You will have two daughter cells. Reappearance of nucleolus, reappearance of endoplasmic reticulum, reappearance of Golgi complex. Right? Now, again, the chromosomes are going to unlock. The chromosomes are going to unlock. Cytokinesis, cell division. Is that clear, everybody? Cytokinesis. Now, mitosis is accomplished not only the segregation of chromosomes, but the cell also has to divide into two daughter cells. Agar animal cell hai, beta, agar animal cell hai, and guys, ye yaad rakho, tumhare liye specially bana ke laayi hu, 24/7 you should hustle now. 24/7, this is your aim. And you're not going to rest. You're going to be a doctor. It is a fact. You're not going to rest. Remember, there will be obstacles. There will be doubters. You will make mistakes even now. But hard work. There are no limits, right? Look at us. Yesterday did parent-teacher meetings, messages, talks with class teachers in our lecture, with students, so that nobody stops studying, guys. Very important. Hustle 24/7, right? Next slide. So what we have to understand now is very important. That if it is an animal cell, right? If it is an animal cell, it is very simple. So this is an animal cell. It will start moving inside from outside. So it will form a furrow. This is called a furrow. Whereas if it is a plant cell, it will form a cell plate from inside to outside. It will form a cell plate. Understood? ठीक है? Okay? Done. So cytokinesis, two daughter cells, furrow धीरे धीरे deep होगा ऐसे, right? Slowly it will deep. Plant cells wall formation starts in the center, very important. Riya, Bhagya, Srimati, is that clear? Plant cell, it starts in the center, यहां से शुरू होगा. It will start from here. It will start from here, from the center, and move towards the outside. Understood, everybody? That is called the cell plate. Middle lamella ki tarah banne lagega between walls of two adjacent cells. Right, everybody? Now, in some organisms, very simple, last slide for this before we move to meiosis. In some organisms, nuclear division has happened. Karyokinesis ho gaya, but cytocell division has not happened. So one cell will have multiple nuclei. If it is the nuclear inside, it is called as endomitosis because the cell is not dividing. It leads to polyploidy. There is a toxin called colchicin which induces it. If you ever want it in plant cells, it's called colchicin. So colchicin causes endomitosis, colchicin causes polyploidy, one cell with multiple nucleus. It happens if karyokinesis has happened, but cytokinesis does not happen. This is a very important MCQ question. In some organisms, karyokinesis is not followed. It leads to synchium, liquid endosperm in coconut. It leads to endopolyploidy. Is that clear? Don't worry, Madhumita. I will do a lot of questions on calculating parts. You will not have problems. Don't worry. And guys, have you all become a part of Vedanta Biotronic? Like, share, subscribe. Significance of mitosis. Done? So obviously, cell division, division of the cell. In some lower plants and in some social insects, haploid cells also divide by mitosis. Right, everybody? Wasps, honeybees, diploid daughter cells,
सेल्स टू डिवाइड, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो को रीएस्टैब्लिश करना, नए सेल्स बनाना, स्किन के सेल्स, सेल डिवीजन, गट के सेल्स, रीजनरेशन होना, ब्लड सेल्स, राइट, केम्बियम, लेटरल केम्बियम, वैस्कुलर केम्बियम, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, अपाइकल मेरिस्टम, न्यू ग्रोथ, ऑल ऑफ दिस हैपेंस टू सेल डिवीजन. दिस इज वेरी, इसमें भी पता है क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, ये दिख रहा है वेरी वेरी, ये खत्म. बस इस पेज से गारंटी क्वेश्चन आने हैं अगले 10 मिनट्स में, आपके एक या दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे नीट 2022 के. राइट एवरीबॉडी, व्हाट इज बाल्बियानी रिंग बेटा? जायंट क्रोमोसोम्स. आई विल कम टू इट, डोंट वरी. अंडरस्टूड? अगले 10 मिनट्स में वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट अस कम टू मियोसिस. व्हेनेवर देयर हैज टू बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, that means gametes have to be produced. This is called as meiosis. What is it called? Meiosis. Specialized reproduction which is happening is called as meiosis. Understood? Now, certain cells have to be haploid. Haploid cells. Is that clear? That is again meiosis. During gametes, gametogenesis. Plants and animals, gametogenesis. Now, there are two meiosis. Meiosis 1 and meiosis 2. Replication, single cycle of DNA replication. Then meiosis 1 is called reduction, when you reduce. Dekho beta, agar aap dono meiosis kar doge, if you do two meiosis, right everybody, to kya hoga beta? Agar aap dono meiosis karoge, meiosis 1 mein 2n se n kar doge, meiosis 1, meiosis 2 mein n se half n kar doge. But we don't want half n as gamete. We want n. So meiosis 1 is called as 2n to n. Meiosis 2 is called as n to n. So meiosis 1 is reductional division. Meiosis 2 is equational division. Because the gametes that you want are only n. But whenever you are producing gametes, you require variations, and therefore how will you get variations? You will get variations if there is crossing over, and this crossing over happens in prophase of meiosis 1. Very important. Yes, if you do that, chromosome number will get disturbed. So exactly what is this? Let us see now. Right, meiosis involves pairing of homologous chromosomes, right? Like one of the mother will pair with one of the father, paternal, maternal, ताकि crossing over हो सके, Is that clear? तो meiosis 1, meiosis 2, चार groups हो गए, prophase 1, prophase 2, metaphase 1, metaphase 2, anaphase 1, anaphase 2, telophase 1, telophase 2. Yes, इसके सारे questions करवा दूंगी बेटा, इसके सारे examples करा दूंगी, पर अभी पढ़ाई करो. सबसे पहले आ जाओ meiosis 1 के सबसे longest phase पे, सबसे difficult phase पे, सबसे important MCQ, बस 5 मिनट बैठ जाओ. ये वाला एक पेपर कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है बेटा, इसके बाद कुछ मत करना, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लॉन्गेस्ट फेज क्या होता है बेटा? आपका प्रोफेज 1. डन एवरीबॉडी? लॉन्गर, इज दैट क्लियर? इसके 5 फेज हैं, इसके 5 फेज है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायटाइनसिस. कैन यू सी दैट? राइट, दो प्रोफेज आर्यम, कैन यू नॉट सी दिस? प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मियोसिस 1, मियोसिस 2. Yes, everybody. So what are there? There are 5 phases to it. What are the 5 phases? 5 word is important. Can come in exam. How many phases are there? There are 5 phases. What are the 5 phases? Please tell me. Leptotin, zygotin, pachytin, diplotin, diakinesis. And don't remember too many tricks. Aisa na ho exam mein trick yaad reh jaye aur beech ka bhul jaye. Right? So don't remember too many tricks. Whatever I've underlined, just remember that. Is that clear? Is that clear, everybody? Done? Understood? Okay, chalo. Now, during leptotin stage, chromosomes become visible, right? Compaction, they will become smaller and smaller. So, what is the first work of leptotin? Tell me, Bhagyashree. Condensation. So, something which is very, very long, you will make it into a chromosome. Clear? Second stage of prophase is called zygotin. In zygotin,
pairing starts. Condensation starts when? Leptotene. Pairing starts when? Homologous chromosomes start pairing when? Zygotene. I repeat, condensation, leptotene. Pairing, zygotene. What is the pairing called? What is the word for pairing? Synapses. Likho ise, what is the word for pairing? Just quickly write down. What is the word for pairing? Synapses. Those chromosomes which have paired. Chromosome 1 paternal, chromosome 1 maternal pair. Chromosome 2 paternal, chromosome 2 maternal paired. Chromosome 3 maternal, chromosome 3 paternal paired. Those chromosomes which have paired is called homologous chromosomes. When they pair, they come very close to each other and form a structure, complex structure. It is called the synaptonemal complex. When they come very close to each other, when they come very, very close to each other, they form a structure which is called as they stick to each other. That structure is called a synaptonemal structure. What is structure ko kya kehte hai jo bahut paas aa jata hai synaptonemal complex. Ab beta jab pair karenge to wo aapko kaise nazar aayenge? Aise nazar aayenge na, bivalent kahenge hum unhe. Kya kahenge? Bivalent. Bahut ek dusre ke they have come very close. Pehle mein kya hua? Aise ka condensation ho gaya. Condensation ho gaya pehla stage. Dusre stage mein kya hua? Pairs ek dusre ke paas aakar क्या बनाने लगते हैं दे सो कैन यू सी दे हैव फॉर्म्ड लाइक अ साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स दैट टुगेदर नाउ कैन यू सी देयर आर टोटल फोर दिस इज कॉल्ड अ टेट्राड और दीज आर कॉल्ड बाइवैलेंस वेरी इंपॉर्टेंट बाइवैलेंस और टेट्राड्स बाइवैलेंट और टेट्राड्स इज दैट क्लियर एवरीबडी द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड बाइवैलेंट और टेट्राड इज दैट क्लियर Is that clear? This was zygotene. Condensation kis mein hua? Leptotene. Synaptonemal complex kis mein bana? Homologous chromosomes ka pairing kis mein hua? Zygotene. Now we come to the next stage. Is that clear? First two stages are very short. Finally we come to the pachytene stage. Right everybody? Now they appear clearly as tetrad. In zygotene they start to appear as tetrad. Clearly appears. Have you seen underlined? Clearly appears as tetrads. This is the place jahan par recombination nodule banegi. Crossing over hogi. This is the place jahan par recombination nodule banegi. Ab yahan par crossing over hoga. Recombination nodule bankar tayyar hoga. So ye aise ek dusre ke paas aayenge. Recombination kare. Understood? Recombination nodule banega, crossing over hoga. That is going to happen right now. Is that clear, everyone? Right, crossing over hoga. It is between non-sister chromatids, not sister chromatids. Genetic material exchange hoga. Ab agar combination, recombination hone, you need an enzyme. You need an enzyme, Srimati. What is the enzyme for recombination? Recombination nodule. The enzyme is called as recombinase. It's an enzymatic process. They will exchange segments. Is that clear? They will exchange segments. It is recombinase. Homologous chromosome ka crossing over is going to get completed by the end of pachytene. But jahan pe crossing over hua hai, they are going to be linked. Crossing over wali jagah pe wo abhi bhi lage hue hain. Is that clear? They are attached at the place of crossing over. Done. Final stage of meiotic prophase 1 is diakinesis. Terminalization of chiasmata. That means ab jaake separate honge. Wo abhi tak lage hue hain. They are attached. They are attached. Ab jaake terminalization hoga. They are going to get. वो एक जगह जहां क्रॉसिंग ओवर है लगे नाउ दे आर गोइंग टू गेट सेपरेटेड विच इज कॉल्ड एज टर्मिनलाइजेशन इज दैट क्लियर एवरीवन हां बस सेवन पे खत्म कर दूंगी बेटा खत्म होने वाली दो मिनट में खत्म होने वाली डन दो मिनट में क्लास खत्म होने वाली है टर्मिनलाइजेशन सर को जाके मेरी हेलो बोलना डन बच्चों डन कंडेंस हो गए एंड बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस
सेपरेट होंगे, दे विल सेपरेट आउट. अंडरस्टूड? टर्मिनलाइजेशन, डायकाइनेसिस, टर्मिनल सेपरेट, टर्मिनलाइजेशन मूव करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. मेटाफेज प्लेट पे क्या करेंगे? इक्वेटर पे अटैच हो जाएंगे एज ऑलवेज. क्या करेंगे मेटाफेज प्लेट पे? इक्वेटर पे अटैच हो जाएंगे. अब इक्वेटर पे अटैच होंगे तो स्पिंडल फाइबर्स आके क्या करेंगे? पुल अपार्ट करेंगे. स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे? ऑपोजिट पोल्स पे ले जाएंगे. ऑपोजिट पोल पे ले जाके दोबारा कौन आएगा? मेटाफेज प्लेट ऑपोजिट पोल पे. ऑपोजिट पोल पे ले जाएंगे किसमें? एनाफेज में. ऑपोजिट पोल पे जाके क्या होगा? दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, सेपरेट हो जाएंगे एनाफेज में. राइट एवरीबडी? अब दो दो का पेयर हो गया सिर्फ, डायड ऑफ सेल्स, चार नहीं रहे, दो दो हो गए. अंडरस्टूड? फिर दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, न्यूक्लियोलस बनेगा. तो बेटा अब एक लास्ट चीज समझ लो मेरी, सबसे इंपॉर्टेंट, बस ये समझ लो. देखो बेटा ये समझ लो, इसके बाद खत्म आज की क्लास, फिनिश, ओवर, आउट, डन. ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन है, ये मेटाफेज प्लेट है, ये आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, इनका सेपरेशन, दिस इज मियोसिस वन, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, डन. तो टेट्राड से क्या रह जाएगा जब सेपरेट हो जाएंगे? टेट्राड से क्या रह जाएगा? डायड रह जाएगा कि नहीं रहेगा? बताओ वानी मैम को जल्दी. सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेशन मियोसिस वन, इसलिए टेट्राड से क्या रह गया? डायड. अब नाउ यू हैव डायड. सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स मियोसिस टू. क्लियर है? सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स इज मियोसिस टू. सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम मियोसिस वन. सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स डन. तो मियोसिस टू में सेम थिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जाएगी, क्रोमोसोम अलाइन होंगे, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर, पर क्या सेपरेट हो रहे हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स. जो सिस्टर क्रोमैटिड्स को होल्ड कर रहा था वो सेपरेट हुए, ये देखिए डन. ये देखिए यहां पे पेयर्स आएंगे, पेयर होमोलोगस के पेयर सेपरेट हुए. यहां पे कौन सेपरेट होगा? सिस्टर क्रोमैटिड्स. एंड फाइनली टीलोफेज में अगेन द टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स गेटिंग क्लोज बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? अगली जनरेशन के लिए क्रॉसिंग ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वेरिएबिलिटी देता है. आदित्य जी एक बार रिपीट कर देती हूँ बेटा आपके लिए. तो बेटा जब आप लोग सेपरेट करोगे होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर्स को, दैट इज मियोसिस वन. व्हेन यू सेपरेट होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर, दिस इज मियोसिस वन. पेयर सेपरेट हो गए, नाउ यू ओनली हैव सिस्टर क्रोमैटिड्स. दीज टू आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड. सो व्हेन यू सेपरेट होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर, व्हेन यू सेपरेट नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, दैट इज मियोसिस वन. व्हेन यू सेपरेट सिस्टर क्रोमैटिड, दैट इज मियोसिस टू. इज दैट क्लियर? मियोसिस टू यू सेपरेट सिस्टर क्रोमैटिड, मियोसिस वन यू सेपरेट होमोलोगस क्रोमोसोम. इज दैट क्लियर एवरीबडी? डन. दैट काइंड ऑफ फिनिशेस दिस चैप्टर. डन. अब आ जाओ यहाँ पे. तो गाइज आज शाम को क्या करने वाली हूँ, आपका फुल बॉटनी टेस्ट लेने वाली हूँ, बिकॉज बॉटनी डिफिकल्ट है. सो दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि यार मेरे बॉटनी में कैसे नंबर आ रहे हैं, मेरे बॉटनी चल कैसे रहा है. फुल बॉटनी आपका टेस्ट होने वाला है. प्लीज डोंट अंडर नो कंडीशन प्लीज डोंट मिस इट. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ गाइज, लास्ट के 25 डेज में, मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी गाइज, यस डॉक्टर बनकर निकलना है चाहे जो मर्जी हो जाए. यस एवरीबडी. और आज फिर से एक बात बताती हूँ बेटा कि सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके 10-10 मार्क्स भी बढ़ गए ना तो आपका बहुत फर्क पड़ जाएगा. 10-10 मार्क्स बढ़ने से बहुत, एक तो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, ताकि अभी मैं ना आपको आज का टारगेट देने वाली हूँ वो मिस ना हो जाए फटाफट से. अभी यूपी सर की क्लास का टाइम हो गया, चले जाओ, नो प्रॉब्लम. ये रहा टेलीग्राम ग्रुप, ज्वाइन कर लो. ये रहा टेलीग्राम ग्रुप, फटाफट इसको ज्वाइन करो, जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप को, क्लिक करो, ताकि आपको आज के टारगेट मिल जाए, मोटिवेशन मिल जाए. और यहाँ पर आकर क्रैश कोर्स ले लो गाइज, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैनेज नहीं हो रही है, टेस्ट नहीं दिया है, रिपीट नहीं करना है, प्लीज आ जाइए और VD प्रो कोड लगाकर ये क्लास ले लीजिए. ठीक है? अब आपको रोज सुबह 6 o'clock क्लास मिलेगी. एवरीडे मॉर्निंग वी विल टेक 6 a.m. क्लास. ओके? एवरीडे मॉर्निंग
बाय बच्चों, डॉक्टर बनकर ही निकलना है. ये क्रैश कोर्स कैन रियली बी हेल्पफुल. गेट दिस. चलिए बाय बाय, शाम को मिलते हैं 8 o'clock. बाय गाइज, बाय बाय गाइज.